दोस्तों आप लोगों ने बरेली वाली घटना सुनी होगी, ज्योति मौर्या SDM और आलोक मौर्या सफाई कर्मी वाले, वो कहीं से भी ज्योति मौर्या ने ठीक नहीं किया। मैं गलत का समर्थन नहीं करता हूँ, ना ही ज्योति मौर्या का समर्थन करता हूँ, लेकिन आज मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ वो आजमगढ़ किले की है। एक दलित प्रोफेसर तुलसीराम की पत्नी राधा से, वह राधा देवी जो ग्राम धर्मपुर पोस्ट दौलताबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की हैं, हिंदी के मूर्धन्य लेखक मुर्दहिया मणिकर्णिका आत्मकथा जैसी रचनाओं के लेखक। प्रोफेसर डॉक्टर तुलसीराम जी की पहली पत्नी। प्रोफेसर तुलसीराम जी से इनका बाल विवाह 2 साल की उम्र में हो गया था। 10-12 साल की उम्र में जब कुछ समझ में आई तो इनका गौना हुआ। उस समय तक तुलसीराम जी मिडिल पास कर चुके थे, यानी 8वीं क्लास तक पढ़ चुके थे। घर में रोज विवाद होता रहता था कि तुलसीराम जी पढ़ाई छोड़ दें और खेती बाड़ी करें, हल्की मुठ थाम लें, पढ़ने में होशियार। यह बात तुलसीराम जी को नागंवार गुजरी और वह अपनी नई नवेली पत्नी राधा जी से गुहार लगाई कि वह अपने पिता से मदद दिलाएं, जिससे कि उनके आगे की पढ़ाई आगे बढ़ सके। उसके बाद राधा देवी ने मायके जाकर इसी प्रकार से निर्धन और असहाय तुलसीराम की पढ़ाई आगे चल निकली। राधा देवी बस यही सोचती रह गईं कि पढ़ लिख कर उनका पति आगे बढ़ जाएगा, उनको सारी सुख सुविधाएं देगा, उनको खुश रखेगा। यह सोचकर उन्होंने अपने सारे गहने भी तुलसीराम को दे दिए, जिससे आगे चलकर तुलसीराम का एडमिशन बनारस विश्वविद्यालय में हो गया। पिता और 5 भाइयों की दुलारी राधा देवी का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए उनके मायके यानी नैहर से तुलसीराम के घर पर राशन और पैसे आने लगे। ससुराल में राधा देवी ने अपने सास ससुर देवर जेठान ननद सबकी ताने सुनती रहीं। अशिक्षित भोली भाली राधा देवी पति के पढ़ाई के साथ साथ भविष्य के सुंदर सपने बुनने देखने लगी थीं। उधर शहर में अभिजात संगत में आने से पति तुलसीराम का राधा देवी से धीरे धीरे मन हटने लगा। गरीबी में गरीबों का सहारा लेकर पढ़ने वाले तुलसीराम को अब अपना घर परिवार पत्नी सब कुछ जाहिल गंवार नजर आने लगे। शहर की हवा खाए तुलसीराम का मन अंतर राधा देवी से एकदम हट गया। BHU के उच्च शिक्षा के बाद तुलसीराम ने JNU की राह पकड़ ली, जहां वह देश के ख्याति यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली में शोध पढ़ाई के उपरांत प्रोफेसर बने और उच्च शिखर को पा लिए। प्रोफेसर बनने के बाद तुलसीराम ने अपनी पहली पत्नी राधा को बिना तलाक दिए अपने से उच्च जाति की शिक्षित युवती से विवाह कर लिया और फिर कभी मुड़कर अपने गांव और राधा देवी को नहीं देखा। राधा देवी आज भी उसी राह पर खड़ी उनका इंतजार कर रही हैं, जहां पर प्रोफेसर तुलसीराम उनको छोड़कर गए थे। जिस व्यक्ति पर अपना सर्वस्व सब कुछ लुटा दिया, उसी ने उनके साथ छल किया। इस अविश्वास के चलते परिवार समाज में पुनर्विवाह का प्रचलन होने के बाद भी राधा देवी ने दूसरा विवाह नहीं किया। राधा देवी का भाई अत्यंत गरीब है, राधा देवी के सास ससुर रहे नहीं, जेठ देवर उनको ससुराल में रहने नहीं देते हैं। जमीन का एक आध टुकड़ा जो तुलसीराम के हिस्से में था, उसमें से भी बंटवारा ना हो जाए, इसीलिए राधा देवी के ससुराल वाले उनको उनके जेठ देवर वहां से बार बार भगा देते थे। कुछ साल पहले जब प्रोफेसर तुलसीराम का निधन हुआ तो उनके जेठ और देवर जो राधा देवी के हैं, यानी कि उनके भाई, जाकर दिल्ली में शामिल हुए थे।
पर राधा देवी को उन्होंने उसकी भनक न लगने दी कि तुलसी राम उनके पति जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत बाद में राधा देवी को बताया गया कि उनके पति तुलसी राम अभी दुनिया में नहीं रहे, तब जाके वह एक विधवा के रूप में आई। राधा देवी अपने पति तुलसी राम के मरने के बाद उनके शोक में महीनों तक बिना कुछ खाए पिए अपने देह की बर्बादी कर ली। उनके ससुराल वालों ने उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं दिया और दुख की मारी राधा देवी आज भी दर बदर भटक रही हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी स्टार्ट किए हैं हम, अगर कहीं से वीडियो में कोई त्रुटि नज़र आए तो माफ़ी चाहते हैं, आगे से सुधार होगा। धन्यवाद। एक संदेश समाज के नाम।